ज़्यादा नज़दीक वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पड़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। अब मैं बयान उर्दू में करूँगा, अगर कोई ऐसे हैं जिनको उर्दू बिल्कुल समझ नहीं आती तो उनके लिए हम फिर एक कोई अरेंज कर लें टेबल पर ताकि वो बयान समझ सकें। समझे कि मैं 20 मई 2022 को बर्मिंघम मैंने लैंड किया है, मैं वहाँ से चलूँगा। बिटवीन 20th of May 2022 to 27th of May, 7 to 8 days मेरे लिए ये जो वक्त है ये बड़ा ही लर्निंग सेशन रहा है, तो मैं आपके साथ अपनी कुछ चीज़ें शेयर करूँगा जस्ट कि ये क्या हुआ। दो चार चीज़ें मैं बयान करूँगा, डेफिनेटली मैं अपना शेड्यूल डिस्कस नहीं करूँगा कहाँ गया क्या किया, ये नहीं, कुछ इश्यूज डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि हम एक यूँ समझे कि ये एक तरह से मैं इसको ब्रेन स्ट्रॉमिंग सेशन बना लेता हूँ, क्योंकि जो कुछ प्रॉब्लम्स मुझे पता चले हैं वो मेरे प्रॉब्लम्स जस्ट ओनली मेरे प्रॉब्लम नहीं है, ये कलेक्टिव जो प्रॉब्लम्स हैं जिसे हमें कलेक्टिव एफर्ट्स के साथ ही इसका कोई सॉल्यूशन निकालना होगा। मुझे जो चंद चीज़ें इस्लामी भाइयों ने बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अगर आप मोबाइल फ़ोन को यूज़ नहीं करेंगे तो मेरी बात ज़्यादा समझ में आ जाएगी, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। रिकॉर्डिंग थोड़ी बहुत हो रही है लेकिन मोबाइल फ़ोन अगर यूज़ ना करें और तब थोड़ी देर विद इन अ 50 मिनट्स तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा और हम उस पर क्लोज कर देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपने वाज़ो नसीहत से, अपने बयानात से। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरे से उजाले की तरफ लोगों को बुलाया, बुराई से अच्छाई की तरफ लोगों को बुलाया, कुफर से ईमान की तरफ बुलाया, और इस रास्ते में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस कदर तकालीफ उठानी पड़ी, आजमाइशों का सामना करना पड़ा, वही लोग जो आपको अमीन और सादिक कहते थे उन्होंने आप पर पत्थर भी मारे, आपको सताया भी, और आपके साथ कैसी कैसी वाकियात हुई हम पढ़ते रहते हैं, बचपन से भी हमने सुने हैं। सहाबा इकराम ने मुरीदवान जैसे जैसे ईमान ले आते थे इन पर जुल्म सितम किया जाता था, इन्हें मारा जाता था, इवन के इनके साथ सोशल बायकॉट किया गया, 3 ईयर्स
सोशल बायकॉट शाव अबी तालिब, 3 years सोशल बायकॉट रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जोजा मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर सहाबा भी शामिल थे। उससे फिर आगे एक तवील वाकियात है, हत्ता के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमा कर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए, और जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए तो मक्के मुकरमा को देखा कि ये, और कुछ यूँ फरमाया कि अगर मेरे लोग मुझे ना निकालते तो तुझे छोड़ कर ना जाता। आपको मक्का पाक से बड़ी मोहब्बत थी, वहीं आपकी विलादत हुई थी, आपका बर्थ प्लेस था मक्का मुकरमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर मदीने मुनव्वरा पहुँचना, फिर मदीने मुनव्वरा से फिर सारे वो मामला, फिर मुख्तलिफ चीज़ें होती गई, और कुछ अरसे के बाद मक्का मुकरमा फतह हुआ, फिर वहाँ कुछ वक्त गुजारा, फिर मदीने मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। यूँ एक तवील हिस्ट्री है इस्लाम की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पर तशरीफ़ फरमा होकर दावत दी, अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ बुलाया। ईमान लाने वाले ईमान लाते गए, सबसे पहले मर्दों में ईमान लाने वाले सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, औरतों में खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, बच्चों में हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली हैं रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ग़ुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये सबसे पहले ईमान लाने वालों में शामिल है। मगर जब खुतबा हजरतुल वदा होता है और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा जाते हैं, और ये उस वक्त किताबों के कहने के लिखे हुए जो बातें उसके मुताबिक कमोबेश 1,24,000 सहाबा इकराम अली रिदवान उस खुतबा हजरतुल वदा में मौजूद है। एक ड्यूरेशन देखें कि 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, 40 ईयर्स की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया, और 63 ईयर में आपने दुनिया को छोड़ दिया, आप पर्दा फरमा गए, इंतकाल फरमा गए, विसाल फरमा गए, विसाल जारी हो गया, जस्ट 23 ईयर। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वगैरह सब शुरू लें, 1,24,000 सहाबा कराम वाले, फिर ये 1,24,000 कमोबेश सहाबा कराम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल फरमाने के बाद, विसाल जारी फरमाने के बाद ये दुनिया में फैले, दुनिया में फैले। बकीय पाक में इस वक्त मदीने मुनव्वरा में जो कब्रिस्तान है ग्रेवयार्ड, उसमें मोर और लेस 10,000 सहाबा कराम के मजार हैं, और हजरतुल वदा में कितने थे, 124,000 मोर और लेस सहाबा कराम में खुतबा हजरतुल वदा, और मदीने पाक में कितने कमोबेश 10,000, बाकी कहाँ है अराउंड द वर्ल्ड, फैल गए आज दुनिया में कहाँ कहाँ मुसलमान। मक्का मुकरमा से एक ऐलान हुआ अल्लाह ताला की तरफ बुलाने का, सहाबा कराम हबशा की तरफ हिजरत कर गए, हबशा करंट इथोपिया, ये हबशा, फिर मदीने मुनव्वरा ताइफ तक गए, दीगर मुख्तलिफ शहरों तक, फिर सहाबा कराम का दौर, खुलफा राशिदीन का दौर, और करते करते इस्लाम व दीन फैलता गया। आज दुनिया के चप्पे चप्पे में इस्लाम व दीन मौजूद है। स्टार्ट कुफर से ईमान की तरफ लाना, अंधेरे से उजाले की तरफ लाना, जुल्मत से नूर की तरफ लाना, ये दीन है, ये हमारा इस्लाम है। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम नेकी की दावत देने वाले, अमल की तरफ बुलाया। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर, अमल की बैत भी करते थे, नमाज तकवा इबादत की बैत अलग होती थी, एक तो ईमान की बैत थी ना कि वो ईमान ले आते थे, इस्लाम कबूल करते थे, इसके अलावा तकवी और अमल की बैत का सिलसिला अलग होता था, औरतों से बैत अलग नहीं जाती थी। मगर कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक ने किसी और अजनबी गैर औरत के हाथ को छुआ नहीं है, ये याद रखिएगा, ना ये जायज है, कोई गैर मर्द किसी गैर औरत को छू नहीं सकता। ये हमारे यहाँ जो चला है ना सेकंड मेल एंड फीमेल स्ट्रेंजर्स, क्या कहते हैं आप, ये इसकी इजाजत नहीं है शरीयत, प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, बिल्कुल शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है।
अगर ऐसा कोई शख्स पीर बना हुआ तो पीर भी नहीं बन सकता कि वो इस तरह मतलब कि औरतों अजनबी औरतों के साथ उसका सारा वो मामला चलता रहे। खैर मैं जो बात करना चाह रहा हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते आज दुनिया में एक मुसलमानों की तादाद है और अल्लाह ने चाह तो ये बढ़ती चली जाएगी और अल्लाह इसमें और बरकत दे और इजाफा फरमाए और इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए दीन इस्लाम तबलीग से फैलता है, ये याद रखिएगा। एक हर चीज का एक वे है ना, इसको स्प्रेड करने का एक तरीका है। इस्लाम और दीन को फैलाने का जो तरीका है उसको कहते हैं तबलीग दीन, पहुंचाना। वमा अलैना इल्लल बलाग, सूरह यासीन में ना, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। और हमारा काम तो साफ साफ पहुंचा देना था, तो पहुंचा देना जहां जहां जाए, पहुंचे इस्लाम और दीन की दावत दे। अब प्रॉब्लम यह हुआ कि हमने ये चीजें बंद कर दी हैं, रुक गई, बहुत स्लो हो गई। दीन की दावत देना, तबलीग दीन करना, नेकी की बात बताना, बुराई से मना करना, ये सिलसिला हमने किसी हद तक खत्म कर दिया। या शेख अपनी अपनी दे, या तुम अपना काम करो मैं अपना काम करूंगा, कोई बुराई कर रहा है कोई गुनाह में पड़ रहा है, हमें बदकिस्मती के साथ इसकी कोई फिक्र ही नहीं है कि क्या हो रहा है, नतीजा क्या है, निकला नतीजा ये निकलना है मेरे प्यारे इस्लाम भाई। और मैं जिस तरफ आपको ला रहा हूँ कि यहाँ इससे पहले भी मैं कई दफ़ा यूके आया हूँ, अब कोविड के बाद 2-2.5 साल के बाद इस बार आना हुआ, तो प्रॉब्लम ये है कि तेजी के साथ लोग दीन से इस्लाम से दूर होते चले जा रहे हैं। इसमें तो शायद आप भी मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, नमाज से तो दूर हुए थे, आज हमारी मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें मरसियां खाहें कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसा हिजाजी ना रहे, कि वाइज कौम की वो पुख्ता ख्याली ना रही, बरके तबकी ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अजा रूह बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली ना रही। तो बड़ा बड़ा मामला उजड़ा उजड़ा सा, बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल बनी हुई है। तो लोग नमाजों से दूर हुए, मुसलमान नमाजों से दूर हुए, दीन की तालीमा से दूर हुए, अपने अकाई से दूर हुए, अपने नजरिया से दूर हुए, बेसिक थॉट्स ही पता ना चली कि क्या है। अब जब हमारा नौजवान ऐसे जगह पर जाता है जहां पर मुख्तलिफ थॉट्स, मुख्तलिफ बिलीव्स के लोग मौजूद हैं, अब चूंकि उसको पता ही कुछ नहीं है, तो जब उसके सामने कोई बात रखी जाती है तो वो कन्फ्यूज हो जाता है। कन्फ्यूज होने की सूरत में वो अपने दीन से हाथ धो बैठता है, अपने इस्लाम से, अपने मजहब से हाथ धो बैठता है। अब मुझे ये यहां आने के बाद पता चला कि फिफ्थ क्लास की ये स्टोरी है, जो बच्चे फिफ्थ क्लास से पढ़ रहे हैं, किसी एक जगह की स्टोरी है। तो फिफ्थ क्लास के बच्चों को जो होमवर्क दिया गया, मतलब जो उस वक्त क्लास में जो काम दिया गया, वो ये दिया गया कि ड्रॉ योर ओन बोर्ड, ड्रॉ योर ऑन गॉड, तो आप अपने खुदा की तस्वीर बनाए। मैं जब मुझे यहां पर पता चला तो मैं ये सोचा तो मुसलमान बच्चों ने क्या किया होगा, नंबर वन अल्लाह जिस्म से पाक, जगह से पाक है ना, जिस्म जिस्मानी से पाक है, अल्लाह को देखेंगे हम इंशाल्लाह, जरूर देखेंगे, जन्नत में देखेंगे इंशाल्लाह। जन्नत में एक ऐसा मकाम भी होगा जहां जन्नती रोजाना अपने रब का दीदार करेगा इंशाल्लाह, अपने रब का दीदार करेंगे अल्लाह ने, जन्नत में करेंगे, अल्लाह हमें जन्नत अता फरमाए। अब ये जब बात मुझे पता चली तो मैं कह यार इतना बड़ा वाकया, कुछ करना चाहिए। अच्छा दूसरी तरफ गए तो पता चला एक सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट, इसका मुझे बताया कि वो अपने जो भी एक माहौल था, स्टूडेंट्स थे या जो भी था, बताया कि वो लादीन हो गया, क्या एथिज्म क्या कहता, उस तरफ चला गया वो। अच्छा अब मसला ये है कि ये स्टोरीज बढ़ रही हैं, यहाँ आने के बाद मुझे पता चला ये बढ़ रही है स्टोरीज। अच्छा बच्चियों के मामला भी बिगड़ गए, जो हमारी फिल्म लड़कियां हैं बेटियां हैं, फिर ये कि जनाब वो बेटी अपने घर में अपने बॉयफ्रेंड को लेकर बैठी हुई है,
बेटा घर में गर्लफ्रेंड को लेकर बैठा हुआ है, यानी अब बाप इस पे खुश है कि चलो बेटा गर्लफ्रेंड बना के लाया, मुसलमान बच्ची को लाया, किसी और को तो उठा कर नहीं ले आया, इस पर बाप खुश है, माँ खुश है, चलो बेटी किसी मुसलमान लड़के के साथ ही है, किसी और के साथ, अब इसमें मुसलमान माँ बाप अब खुश है, वो है ना कि वो चलो उधर उधर तो नहीं चलेगा, ये भी मतलब ये हमारे मामला हो गए। इस तरह की इतनी स्टोरीज यहां पता चल रही हैं, इतनी स्टोरीज पता चल रही हैं, कई बच्चे नशे में चले गए, कई बच्चे शराब में चले गए, कई बच्चे हमारे ड्रग्स की सप्लाई में पकड़े गए, ये सारी स्टोरीज आपको भी पता होंगी, ये सब कुछ हो रहा है। अब समझ नहीं आती कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मैं मतलब वो इमरजेंसी वार्ड में हूँ, किधर हूँ, हर थोड़ी देर के बाद कोई खबर है, और वो खबर सदमाती खबर है। अब ये सारी खबरें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बहुत सारी बातें तो मैं शेयर कर भी नहीं रहा हूं आपके साथ, मैं नहीं शेयर कर रहा, इसकी भी कोई वजूहत है, मगर इन शॉर्ट ये मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों कि दीन ईमान कायद नजरियात आमाल और अखलाक की हिफाजत, ये बहुत बड़ा चैलेंज आज हमारे लिए, इसको तो मेरा ख्याल है शायद आप में से कोई भी आई थिंक इनकार नहीं करेगा। मैं यहां आपसे आपकी बात नहीं कर रहा हूं कि आप कारोबार कैसे करते हैं, जो भी ये अलग टॉपिक्स हैं, नमाज भी एक मौजू है, रोजा भी एक मौजू है, सारे मौजू है, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ जो चीज शेयर करना चाह रहा हूं ये है कि हम मिलकर कुछ ऐसा करें कि हमारी करंट जनरेशन और अपकमिंग जनरेशन ये ईमान पर कायम रहे, दीन पर कायम रहे, अपनी इस्लामिक वैल्यूज पर कायम रहे, अपने मजहब के पर कायम रहे। हमें इस बात की फिक्र है कि बच्चा मेरा रहे, हमें सबसे पहले फिक्र यह होनी चाहिए कि मेरा बच्चा मुसलमान रहे, ईमान वाला रहे, मेरी बेटी दीन वाली रहे, मेरी बेटी ईमान वाली रहे, मैं अपना ईमान बचाऊं, क्योंकि ईमान बचाना यह बहुत लाजमी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उसे डरने का हक है, ना मरना मगर मुसलमान। ईमान चले जाने में देर कितनी लगती है, एक आदमी जुमला बक देता है और अल्लाह ना करे ईमान से हाथ धो बैठता है और उसको समझ ही नहीं आती। अब होता यह है कि जब इस तरह का माइंड बन जाता है, अब उसको बुलाओ कि आओ जरा बात तो करो, यानी इमेजिन के बात करने के लिए तैयार नहीं होता। हमारे अब इशू ये हो गया कि कोई भी फैमिली का बच्चा, मुसलमान फैमिली का बच्चा, वो एथिस्ट हो जाता है, कोई और मतलब के दीन छोड़ के इस्लाम छोड़ के मजहब इख्तियार कर लेता है, ये अपने सोशल पेज पर डाल देता है, मैं ये हो गया हूं, फिनिश, रास्ते में नहीं आता, जब पेरेंट्स के डर के डोंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ मातम करेंगे, सोग मनाएंगे, मगर प्रॉब्लम यह है कि हम इसके बचाव की कोई सूरत तो बना सकते हैं। अब आपके सामने मैं सॉल्यूशन रख रहा हूं, ठीक है, ये इतने इश्यूज है, इसको पूरी आप 2 घंटे 3 घंटे की स्पीच कर लें, एक एक वाक्य, दो दो वाक्य, तीन तीन वाक्य, चार चार वाक्य कर लें। दीनदार मजहबी घराना कहलाने वाले के बच्चों के उजड़ने की वजह इत्तला है, वो भी मतलब बेचारे जाया हो गए, अल्लाह उनको लौटना नसीब फरमाए, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए, अल्लाह इनके इनकी हिदायत का सामान करे, ये लौट कर फिर मुसलमान हो, और अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में आपका मेरा सबका ईमान सलामत रखे। एजुकेशन के जरिए और मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, बैड कंपेनियंस के साथ जितना कुछ तबाही आ रही है, अब हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, और रूल में लेकर करेंगे ना, हम तो मौजूद है। नंबर 1 मसाजिद, कई ऐसे इलाके हैं जिसमें आज भी मसाजिद नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाते हैं तो कुबा के मकाम पर आप पहले
कयाम फरमाते हैं। और वहां सबसे पहला काम क्या किया, मस्जिद तामीर की, मस्जिद कुबा। मस्जिद कुबा देखना नसीब फरमाए। उसी के पीछे एक बाग है, नाम नाम जहन से निकल गया, उनमें क्या उन एक साहबी का नाम था, ज्ञान जहन से उनका बाग है, उम्मे कुलसुम नाम था ना, नहीं इन्होंने ही जमीन दी थी। कुलसुम बिन हदम रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये इनका इनका बाग था। पीछे मकान उन्हीं का था, वहीं पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने क़याम फरमाया था। उन्होंने अपनी जमीन मस्जिद कुबा के लिए दी थी। आज उनके उनकी उनका बाग में ज़ियारत के लिए लोग जाते हैं देखने के लिए, और आज उनकी दीवी जमीन पर मस्जिद कुबा कायम है, जहां अल्हम्दुलिल्लाह आज करोड़ों अरबों मुसलमान जाते हैं ज़ियारत करते हैं मस्जिद कुबा। और वहां जाने का सवाब क्या, उम्रे का सवाब, नमाज पढ़ेगा उसको क्या, उम्रे का सवाब है। तो मस्जिद, अब हम ये देखें कि हम नंबर वन ये कि घर वाले जो आशिका ने रसूल ने मस्जिद बनाई है, ये पहला है। घर कहां है, जहां आशिका ने रसूल ने मस्जिद बनाई है, ताकि हम अपने दीन ईमान की हिफाजत का एहतमाम कर सके। हम भी मस्जिद जाए, अपने बच्चों को भी मस्जिद में भेजें। मस्जिद हमारे ईमान की हिफाजत का जरिया है, मस्जिद मेन है। जमीन का सबसे बेहतरीन हिस्सा मस्जिद होता है, मस्जिद हमारा कला है, जहां हम अपने दीन ईमान की हिफाजत का एहतमाम करते हैं, जहां हमें दीन सिखाया जाता है, नमाजें पढ़ाई जाती हैं, अखलाकियात सिखाए जाते हैं। अच्छा, उसी मस्जिद में एक इमाम होता है आपका, माशाल्लाह इल्म अमल का बेकर, रिश्के रसूल में डूबा हुआ, ऐसा एक इमाम अगर आप रखते हैं तो वो नमाजों के साथ साथ दर्स बयान नेकी की दावत बड़ी रातें ये सारा इत्तेमाम करेगा। हम सब जाएंगे, हमारे बच्चे हमारे साथ आएंगे, उनको पता चलेगा कि हमारा तरीका, हमारे थॉट, हमारे नजरियात क्या हैं। वो बचपन से ही वो कुरान सीख रहा होगा, कुरान पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो ये करना होता है कि हम घर ही वहां लें जहां आशिका ने रसूल ने मस्जिद बनाई है। नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल कि आपने इसी जगह घर नहीं लिया, क्योंकि हम ये देखते ही नहीं है कि यार घर का, हम एरिया देखते हैं, कॉस्ट देखते हैं, वैल्यू देखते हैं, पैसे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, आसपास क्या है, माहौल कैसा है, सब कुछ देखते हैं। नहीं देखते तो मस्जिद नहीं देखते, क्या आसपास मस्जिद है या नहीं है, मैं नमाज कहां पढ़ूंगा जमात के साथ, ये नहीं देखते। जनरली हम नहीं देखते, चले बदकिस्मती के साथ नहीं देखी, घर बन गया, अब कम से कम इतना कर लेंगे वहां मस्जिद तो बना लें, ये तो हो सकता है ना। बस सब मिलकर काम करेंगे ना, मैं आज आपके साथ यही शेयर कर रहा हूं, सब मिलकर काम करेंगे ना। अभी मैं यहां गया था, जुमा कहां पढ़ा हमने, तो यहां कम्युनिटी हमारी आबाद हुई है, मुस्लिम कम्युनिटी माशाल्लाह भी जा भी रही है, मस्जिद नहीं थी। हमारे इस्लामी भाइयों ने ये गैर मुस्लिमों की इबादत का खरीद कर अल्हम्दुलिल्लाह उसको मस्जिद बनाया, आज हमने वहां जुम्मा अदा किया है और लोग खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। कितने में थी क्या, पूरी 1.2 मिलियन की वो है, और थोड़ा कर करा के 2 मिलियन तक की पड़ जाएगी, क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगी, भले हो जाए, एक पलड़े में ईमान रखो दूसरे पलड़े में पैसा रखो, तो ईमान ईमान से तो कोई कीमती शे ही कोई नहीं कि नहीं यार बड़ा महंगा है। भाई ईमान से क्या महंगा, ईमान ही अनमोल है। बंदा जान बचाने के लिए सबको देता नहीं देता, इंसान अपनी जान बचाने के लिए सबको दे देगा, अपना ईमान बचाने के लिए कुछ भी नहीं देगा। कर दे बंदा, मिलजुल कर ले आप गौर करेंगे आपके यहां ऐसा कुछ है या नहीं है। तो सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि हमें जगह ही वहां लेनी है घर, जहां पर आशिका ने रसूल ने मस्जिद बनाई हो। और अगर ऐसा नहीं है तो सराउंडिंग में देख लें, कोई जगह ले, बाकायदा परमिशन के साथ मस्जिद बनती है, अलॉट होती है, जगहें होती है, नमाज होती है। इलीगल तो कामयाब हो नहीं रहा होता, फ्रॉड के काम है सारी चीजें हैं। और दावत इस्लामी ने अब तक मेरा ख्याल 60 से 70 जगहों पर मस्जिद और मदरसे बना लिए, कि यूके के अंदर भी बात कर रहा हूं, मतलब हमारी साल की 6 प्रॉपर्टीज के एवरेज है एवरी ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन
मेरी मेरे जिम्मेदारान से रिक्वेस्ट है, ये छे नथी कुछ भी नहीं है, जो कुछ प्रॉब्लम्स है इसके सामने ये छे का होना कुछ भी नहीं है। तो मस्जिद हो गई, मैं क्योंकि टाइम कम है, अब उसके साथ एक बनाए मदरसतुल मदीना, यानी मदरसा बनाए कुरान के लिए, आलिम के लिए, ताकि हमारे बच्चे और हमारी बच्चियां कुरान पढ़ सकें। अच्छा, बच्चियां कुरान पढ़ें, बच्चियां आदमी से क्यों कुरान पढ़ें? 8 साल की, 4, 6 साल की, 7 साल की बच्ची, मेरी प्लीज समझे कुछ, वो एक मेल से कुरान क्यों पढ़े? हमारे पास ऐसी बाजियां फीमेल होनी चाहिए जो हमारी बच्चियों को कुरान पढ़ाए। फीमेल फॉर फीमेल, मेल फॉर मेल। क्या आपको 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 साल की बच्चियों के केसेस नहीं पता? और फिर जिस तरह की कल्चर डेवलप हो रहा है, और ये सारा आपको मुझसे ज्यादा पता होना चाहिए। तो हम बच्चियों को पढ़ाने के लिए अपनी इस्लामी बहनों का, भाइयों का इंतजाम कर सकते हैं, इस्लामी सिस्टर का इंतजाम है, और इनकी तालीम और तरबियत के लिए के ज्यादा इनकी तादाद बढ़े, हम इनके कोर्सेस करवाएं यहां पर, और इस्लामी भाइयों के लिए इस्लामी भाइयों के कोर्सेस करता है, हमारे बच्चों को पढ़ाएं, इमाम के कोर्सेस कराएं ताकि वो इमाम की तरबियत हो। मैं आऊंगा एंड में किसी चीज के ऊपर, इमाम को कोर्स कराएं कि ताकि इमाम हमारी मस्जिद में जब नमाज पढ़ाए तो हमारे काफी सोशल और फैमिली इश्यूज को वो वहीं पर अपने बयान और अपने किरदार के जरिए रिजॉल्व कर दे। इमाम है मस्जिद का, हम इश्यूज लेकर जाएंगे, मसाइल लेकर जाएंगे, इमाम साहब क्या हल है। इवन कि अगर इमाम को कोई मसले के जवाब नहीं आता होगा तो वह आपसे सवाल लेगा, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से जवाब लेकर इमाम खुद आपके घर पर पहुंचा देगा कि ये आपके मसले का हल नहीं, आपको फतवा मिला हुआ है। इमाम है मेरी मस्जिद का, इंशाल्लाह ताला वो सर्विस देंगे हमें, क्योंकि ये सब कुछ हमारे दीन और ईमान के लिए जरूरी है, हमारे अखलाक और किरदार के लिए जरूरी है। तो मस्जिद अगर जहां हो वहां घर में, नहीं तो बनाए साथ एक मदरसा बनाए, मदरसतुल मदीना दावत इस्लामी का है, वहीं पर एक जामेतुल मदीना भी बने या चले दूर बने, ताकि हमारे अपने बच्चे कुरान भी पढ़ सके, आलिम भी बन सके। ये पॉसिबल है, हो रहा है, यूके में ऐसा हो रहा है, यूके में हमारे इस्लामी भाई, यूके बॉर्न इस्लामी भाई आलिम बनकर फारिग हुए ना। मगर ये एक तो एरिया के अंदर नहीं है, अभी मैं लंदन में, कल से मैं इनसे बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी हम लंदन के हैं, एरियाज में ही हैं, मैं कल से बात कर रहा हूं, तकरीबन 8.9 मिलियन लोग अंडरग्राउंड ट्रेन में ट्रेवलिंग कर रहे हैं, 8.9 मिलियन पीपल्स। इसका मतलब 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग तो सराउंडिंग में रह रहे हैं आपके, यही 1.25 करोड़ के आसपास लोग ये लंदन उसकी सराउंडिंग में रह रहे हैं। इसके लिए कितना होना चाहिए इसका अंदाजा आप कर लें, कितनी मस्जिद होनी चाहिए, कितने मदरसे होने चाहिए, कितने जामियात होने। देखिए, मैं यहां पर एक मजहबी आदमी हूं, मैं आपको हॉस्पिटल बनाने की और ये किसी और की तो मशवरे दूंगा नहीं, मैं मजहबी आदमी हूं, मुझे मेरे दावत इस्लामी ने अखलाक किरदार की दुरुस्ती कैसे करनी है, ईमान की हिफाजत कैसे करनी है, इसका बताया। और अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है, ये हम सब का काम है, बिकॉज वी आर ऑल आर मुस्लिम्स, बीइंग अ मुस्लिम ये हमारी अपनी ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको मैं आपके साथ इस पर डिस्कस कर रहा हूं। फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम स्कूल, अभी जैसा आपने अपनी प्रेजेंटेशन में देखा, दारुल मदीना इस्लामिक स्कूलिंग एजुकेशन इंग्लिश मीडियम है ये, और इस वक्त यूके के अंदर खालिद पर कोई बताएगा स्कूल कितने हमारे यूके में इस वक्त? 14 स्कूल यूके में, कितने होने चाहिए? नर्सरी टू सेकेंडरी, सिर्फ सेकेंडरी तक बात कर रहा हूं, कितने होने चाहिए अंदाजा ऐसे पूरे यूके में? जबकि आपको पता है कि स्कूल क्यों जरूरी है, मैंने इसकी 2-3 एग्जाम्पल आपको दे दी, ठीक है। मेरा बेटा एक ऐसी लड़की के साथ बैठेगा जिसके स्कर्ट पहनी हुई है, और मैं बोलूंगा मेरा बेटा बहुत नेक आदमी है, बचकर आ जाएगा, आप समझ जाए। मेरी बेटी एक ऐसी स्कूल जाएगी जहां पर जो कुछ हो रहा है वो हो रहा है, ये इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है ना, यहां का दिया हुआ ऑप्शन है, हम अपने घर का तो ऑप्शन नहीं लाए, यहां का दिया हुआ ऑप्शन है ना कि आप खोले, 14 स्कूल खुली हैं,
अब जितना एजुकेशन यहां पर फैला हुआ है कि आप 16 साल की उम्र तक बच्चे को आपने लाजमी एजुकेशन देनी है, यही रूल है। तो आप मुझे बताइए कि इस सेकेंडरी तक तो इसका मतलब एजुकेशन देनी है ना, देनी है। इसकी आप सोचिए कितना स्कूल चाहिए पूरे यूके में, 14 बने हुए, 14 तो कुछ भी नहीं है, 1400, 14,000 की बात करो हाजी अब्दुल हमीद, 14,000 की बात करें, क्योंकि नर्सरी जो है ना, नर्सरी और ये प्राइमरी, इसके लिए बच्चों को दूर थोड़ी भेजा जाता है, वो तो करीब करीब बनती है, दो दो चार चार छह छह किलोमीटर पर, 10-10 किलोमीटर पर आपके स्कूलें होनी चाहिए। इतनी स्कूलें बनेंगी तब आपके बच्चे कवर होंगे। अच्छा, इन स्कूलों को चलाने के लिए प्रीमिसेस का होना, बिल्डिंग का होना, रूम्स का होना, लॉस का होना, करिकुलम का होना, टीचर्स का होना, एडमिनिस्ट्रेशन का होना, सब कुछ जरूरी है। दावत इस्लामी प्रोवाइड एवरीथिंग, प्रोवाइडिंग एवरीथिंग कर रही है दावत इस्लामी। लेकिन इन तमाम, अब मैं आता हूं एंड की तरफ, कि सब कुछ करने के लिए हमें आपकी मदद दरकार है। आप कहेंगे हाँ यार इश्यूज तो हैं, प्रॉब्लम तो है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, हो तो कुछ भी नहीं सकता। कैसे कह सकते हैं कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और चीजें यहां मौजूद हैं, हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो क्या ही अच्छा हो कि इस वक्त सिर्फ लंदन और उसकी सराउंडिंग में जितनी सिटीज हैं जहां से आप लोग आए हैं, कम से कम आपके इलाके के अंदर एक मस्जिद, एक मदरसतुल मदीना, उसके साथ एक हॉल हो जिसके अंदर सिर्फ हमारे घर की औरतें आकर इल्मे दीन हासिल करें। यानी घर में कौन है, मर्द है, औरत है, बच्चे हैं और बच्ची है, यही है। मर्दों के लिए मस्जिद बन गई, हमारी औरतें कहां जाएंगी, हम जाकर सिखाएंगे, वो हमसे सीखने के लिए तैयार नहीं है, कहां से सीखेगी, हमारा हमारा करेक्टर ही ऐसा नहीं करते सीखेगी। बोले आपको क्या आता है, आप मुझे सिखाओगे, सिट डाउन, हमसे नहीं सीखेगी वो, और हम सिखा भी नहीं सकेंगे हम, क्योंकि हमें आता ही नहीं है, तो हमें खुद आकर पहले सीखना पड़ेगा, और उसके बाद वो कहां से सीखेगी, उसको सिखाने के लिए भी इस्लामी बहनें चाहिए होंगी। यानी पूरा एक प्रोग्राम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पूरा प्रोग्राम डिस्कस कर रहा हूं। मैं यूके में नहीं रहता, मेरी फैमिली यूके में नहीं रहती, अल्हम्दुलिल्लाह आने का कोई इरादा भी नहीं, अल्लाह का करो करम है। मैं कराची में रहता हूं, मेरी पूरी फैमिली कराची में रहती है, मैं कराची बॉर्न हूं, और बस अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, तो हम लेकिन चूंकि दावत इस्लामी क्या एक नोबल कॉज है, ग्लोबल कॉज है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी। यहां रहने वाला हर मुसलमान मेरा भाई है, यहां रहने वाली हर मुसलमान की फैमिली मेरी फैमिली है, यहां रहने वाले हर मुसलमान का बच्चा मेरा बच्चा है, हर बेटी मेरी बेटी है, हर बहू मेरी बहू है, हर माँ मेरी माँ है। गोया के अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कौन नहीं सोचता। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने सोच दी है कि मैं यहां बैठकर पर्सन ऑफ दावत इस्लामी, मैं ये सोचूं कि मेरे यूके के इस्लामी भाइयों के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि ये बात तो तय है कि बैक टू होम का तो कोई ऑप्शन आपने रखा नहीं है, रहना यही है। जब रहना ही नहीं है तो फिर अपने ईमान को कामिल करके और ईमान के तहफ्फुज के साथ क्यों ना रहे, और इसके लिए पॉसिबिलिटी है। दो देखिए, तीन तीन चार चीजें जरूरी हैं, थोड़ी देर रह गई है, तीन चार चीजें जरूरी है। नंबर वन, विलिंग, डिजायर इज नथिंग, ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता, विलिंग एंड प्लानिंग, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, डिजायर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ख्वाहिशें तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, अगर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कब निकले, तो ख्वाहिशें तो बहुत है हमारी, और हर ख्वाहिश काम पूरी होती है, लेकिन अगर आप प्लानिंग रखते हैं और विलिंग रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। प्लानिंग और विलिंग के साथ टाइमिंग, सोच रहे हैं टाइम नहीं है, टाइमिंग देनी पड़ेगी, विलिंग, प्लानिंग, टाइमिंग, फाइनेंसिंग,
चार चीजें, देयर आर फोर पिलर, और चारों पिलर यहां मौजूद हैं, मगर ढूंढना पड़ रहा है। व्हीलिंग वाले को उधर से पकड़ो, प्लानिंग वाले को इधर से पकड़ो, टाइमिंग वाले को, एंड उसके बाद व्हीलिंग है तो प्लानिंग नहीं है, इसके बाद प्लानिंग है तो टाइमिंग नहीं है, इसके बाद फाइनेंसिंग है तो तीनों नहीं है। अब चारों को एक जगह जमा करना, ये इंशाल्लाह दावत इस्लामी कर लेगी। मगर दावत इस्लामी करेगी तो आप ही के साथ ना, कि मैं चाहता हूं करना, मेरे पास ये प्लानिंग है, ठीक है, आपके पास फाइनेंसिंग नहीं है, आपके पास टाइमिंग नहीं है, तो हम इन चारों को जमा करेंगे ना, रेसिपी बनेगी ना, रेसिपी बनेगी तो खाना बनेगा ना। अच्छा अब ये बन गई तो आप बताइए कि फायदा किसको होगा, हमारी नस्ल को होगा। और यार ये कब होगा, कब बनेगा, 5 साल ये प्लानिंग, तो 10 साल वो प्लानिंग, तो भाई पहले वालों ने कुछ मस्जिदें बनाई थी तो आज हम वहां नमाजें पढ़ रहे हैं ना, आज हम मस्जिदें बनाएंगे तो हमारे आने वाले नमाजें पढ़ेंगे ना, पिछलों ने कुछ किया था तो आज कर, आज वाले कर रहे हैं, आज वाले जब दुनिया से जाएंगे तो आपसे कब्र पर आकर कोई जनरेशन पूछेगी कि बाबा जी क्या कर कर गए मेरे लिए, घर बनाया, मस्जिद ना बनाई, घर में टीवी रखा जिसमें मैं ड्रामे फिल्में देखकर अपनी जिंदगी बर्बाद करता रहा। एक लड़की ने लेटर लिखा था हजरत को और अमीर सुन्नत को, लेटर में क्या था, लेटर में यह था कि मैं, मेरे घर में टीवी नहीं था, मेरे वाले साहब टीवी लिया है, कौन लिया है, वाले साहब टीवी लिया है, और टीवी पर प्रोग्राम चलते थे, तो मुझे मेरी क्लास की फ्रेंड ने कहा फुला चैनल को देखो, उस चैनल पर ऐसे ऐसे प्रोग्राम आते हैं, सेक्चुअल प्रोग्राम थे। मैं घर में अकेली थी, मैंने चैनल ऑन किया और मैं उस चैनल तक चली गई, और वहां मैंने जो प्रोग्राम देखा तो अब मैं आपे से बाहर हो गए, मैं आपे से बाहर हो गए, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अब मैं क्या करूं, मैं घर से बाहर निकली, एक गाड़ी में नौजवान जा रहा था, उस नौजवान को मैंने हाथ दिया, उसके साथ गाड़ी में बैठी, और जो ना करना था मैंने उसके साथ किया, मेरा कंवारापन खत्म हो गया। नीचे एक सवाल था, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार कौन, मैं या मेरा बाप, बच्ची का सवाल है, मैं या मेरा बाप। इसको कहते हैं दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। बयान किया, इरादे किए, नियते की, या अल्लाह हमारी मदद कर दे, हमारे मददगार पैदा कर दे, तू ही दिलों में डालने वाला, तू ही हिम्मतें बढ़ाने वाला, तू ही हौसले देने वाला, तू ही असबा पैदा करने वाला है, तेरी बारगाह में हाथ उठाए बोला, बयान हो गया, अमल का जज्बा तू दे, असर तू अता कर दे, मददगार तू पैदा कर दे, और बोला वो काम हो जाए जिसे तू राजी हो जाए, तेरा हबीब हमसे राजी हो जाए, और हम तेरे बारगाह में जब हाजिर हो तो हमसे राजी हो, और हमें बिला हिसाब जन्नत का दाखिला अता फरमा दे, तेरे प्यारे हबीब का जन्नत तो फिरदौस से पड़ोस नसीब हो जाए, हमारे मरीज बीमार सेहतियाब हो जाए, कर्जदारों के कर्जे उतर जाए, परेशान हालों की परेशानियां दूर हो जाए, जिनको औलाद का गम है अल्लाह उनका गम दूर कर दे, जिनको कारोबार का गम है उनका गम दूर कर दे, जिनको घर बार का गम है मौला गम दूर कर दे, गम मदीना, गम मुस्तफ़ा, गम आखरत, गम कबर, गम हशर अता फरमा दे, या अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआएं कबूल फरमा दे, बार बार हज की सआदत दे, बार 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 मीठा मीठा प्यारा प्यारा मदीना दिखा दे, या रब्बे करीम हमारी टूटी फूटी दुआएं गुम्बद खजरा के सबके में पूरी फरमा, कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर दे कसम मजबूर की, इन्नल्लाहा व मलाइकातुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, सल्लल्लाहु अलैहि व नबी रब्बी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या करशी या हाशमी मुत्तलिबी या रसूल व सल्लल्लाहु अला खैर खल्क मुहम्मद व आलि व सहाबी अजमईन बि रहमतिक या अरहम। आखिर में एक मिनट रोकर मुझे दे दे, अभी याद आई इस बात, एक मिनट, अभी यहाँ आने से पहले मेरी एक मुलाकाती बयानी था,
वहाँ पर शायद 10 कम्युनिटी मुस्लिम जमा थी ना, जो भी हमारे सोमालियन हैं, सूडानी हैं, यमनी हैं, शामी हैं, और भी कम्युनिटीज थी, उन उलमा भी थे। Alayka